श्रीलंका में हाहाकार मचा है। श्रीलंका में संकट लगातार गहराता जा रहा है। जनता भूख से बिलख रही है। खाने पानी के सामानों की किल्लत बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के लिए मारामारी मची हुई है। उधर सरकार अलर्टेड है, सन्नाटा है। वो इसलिए क्योंकि बीती शाम से पूरे श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पहले ही यहां पर राष्ट्रपति ने पब्लिक इमरजेंसी आपातकाल लगा दिया था और अब उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो आवश्यक वस्तुओं के अलावा और आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी को भी सड़क पर आने की अनुमति नहीं है। और आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सिर्फ पुलिस, आर्मी, यहाँ के अर्धसैनिक, इन सारे बलों को पूरे श्रीलंका में तैनात किया गया है। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की किल्लत के बाद ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप हो गया है। 12 से 13 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। स्थिति यह है कि बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट बंद रखी जा रही हैं। दवाएं 30% तक महंगी हो गई हैं। कागज और छपाई की स्याही खत्म हो गई है, जिसकी वजह से परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई हैं। श्रीलंका ने 1948 में आजादी पाने के बाद इतनी बदहाली कभी नहीं देखी। देश की जनता लाचार है और सरकार किसी ठोस प्लान की बजाय बस पाबंदियों के सहारे ही लोगों को काबू करने की कोशिश में जुटी है। राष्ट्रपति बस उपाय की बात कर रहे हैं, जल्द ही स्थिति बदलने की दुहाई दे रहे हैं। हालांकि भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके मुल्क में विपक्ष सरकार की इन दलीलों को सुनने को तैयार थी। यही वजह है कि कोलंबो में कर्फ्यू के बाद भी विपक्षी दल सड़क पर उतर रहे हैं, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्षी लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, देश को बदहाल बनाने के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पड़ोसी देश में बिगड़ते हालात के बीच भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। भुखमरी को खत्म करने के लिए भारत ने श्रीलंका के लिए 40,000 टन चावल की सप्लाई की है, लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, उसे सामान्य करना श्रीलंका के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, श्रीलंका, आज तक।